सा आप चलिए, हम जरा पानी लेकर आते हैं। क्या हुआ लवली? देखो तुम सबको कुछ देर के लिए ना यहीं पे इसी कमरे में रुकना होगा। बस प्लीज शोर मत करना, एकदम चुपचाप रहना, ठीक है? हम लोग यहाँ चुपके के बैठे हैं। वो क्या है ना, हम सब छुपा छुपी खेल रहे हैं। वो जो क्लाउन है ना, वो तुम सबको ढूंढ रहा है। देखो अगर तुम लोग बाहर जाओगे ना तो तुम सबको जो और गिफ्ट मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा, इसलिए कमरे में रहना, बाहर मत जाना और शोर बिल्कुल मत मचाना। हाँ लेकिन आंटी हमें घर जाने के लिए देरी हो रही है। हाँ देर हो जाएगी तो मम्मी डांटेगी। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें टाइम पे घर पहुंचा देंगे, बस थोड़ी देर की बात है। बबली बबली बबली, अरे मर गए। भाभी मासा तो ऊपर थी, नीचे कैसे आ गई? हम क्या जाने, सब अपने काम में लगे रहो नहीं तो मॉम जी को शक हो जाएगा। आती खाओ ना। बबली बेटा। लवली चाची, दादी सा बुला रही है, अगर मैं नहीं गई तो दादी सा मुझे पूरे घर में ढूंढेगी, मैं जाऊं? लवली तुम इसे लेकर जाओ, तब तक हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, जल्दी जाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, आओ। निमी बहू ये बबली है कहाँ, इसे लेकर आओ। जी मम्मी जी। अरे बबली बेटा इधर आओ हमारे पास। अरे हमारे पास इधर बैठो। निमी बहू जी। मम्मी जी। निमी बहू ये बबली ने जन्मदिन के कपड़े अभी तक क्यों पहने हुए हैं? कुछ बोलो, हमने पूछा है तुमसे। वो मम्मी जी मैं फोन बदल लेती। नहीं कोई जरूरत नहीं है, हमें अपनी बबली बिटिया से कुछ बात करनी है। खड़ी क्यों हो यहाँ, जाओ जाकर दूसरी बहुओं की मदद करो। बबली अच्छा हमें एक बात बताओ, जब हम यहाँ से चले गए थे उसके बाद तुमने क्या क्या किया? हमने गेम्स खेले। हाँ इसका मतलब तुम्हें अपने जन्मदिन पर बहुत मजा आया है ना? भाभी पता नहीं क्या होगा। सुनिए सबसे। क्या? जल्दी लेके चलो ना, नहीं तो स्पैक पे आ जाएगी। अरे चुप, शोनी चुप।
इसे जल्दी से ले जाओ, इससे पहले कि मासा देख ले, तब तक हम बच्चों को यहीं ख्याल रखते हैं। जाओ। हाँ ठीक है, जल्दी 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 ले जाओ, चलो आराम से धीरे से जाना। तुमने पहली बार देखा हो? तुम्हारी लवली चाची बता रही थी कि जो कार्तिक चाचा हैं वो जोकर बने थे ना, और उन्होंने जोकर बनकर तुम्हें खूब सारी कहानियां सुनाई। चलो हमें बताओ, हमें भी सुननी है कहानियां। चाची सुन, चैन नहीं खुल रही है। धीरे रुको, मैं कुछ करती हूँ, रुको यहाँ। चलो जल्दी करो। अच्छा सुनो, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ, और यहाँ से कहीं जाना मत। हाँ ठीक है। मम्मी जी के सामने बने रहते हैं, और तू एक काम कर, तू है ना कैसे भी करके
मम्मी जी को हॉल से बाहर लेके जा। ठीक है भाभी, आप सब लोग यहाँ पे रुकिए, मैं कुछ चक्कर चलाती हूँ और मासा को उनके रूम तक लेके जाती हूँ। अब क्या चक्कर चलाओगी तुम? मुझे ना अपने बेस्ट फ्रेंड से वापस हेल्प लेनी पड़ेगी। बेस्ट फ्रेंड? ओके। नहीं नहीं बेटा, अब हम तुम्हारी मासा को और मूर्ख नहीं बना सकते। हम पहले ही उनके शक के घेरे में। बाबूजी, आपसे थोड़ी उम्मीद है कि आप वर्मा जी के मामले में बाल बाल बच गए, और अब के अगर पकड़ा गया ना तो तुम्हारी मासा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हमें। बाबूजी, अगर आप ऐसे पल्ला झाड़ लेंगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा? और उन बेचारे बच्चों को उनके घर भी पहुँचाना है। पता है आपको, वो बच्चे घर जाने के लिए कितना परेशान हो रहे हैं, और उनसे ज्यादा उनके डैड मॉम परेशान होंगे अगर वो बच्चे टाइम पे घर नहीं पहुंच पाए तो। प्लीज बाबूजी, आप मासा को नीचे हॉल से ऊपर रूम में ले आइए, प्लीज। ठीक है भाई, हम अपनी तरफ से जो कुछ बन सकता है वो करते हैं फिर। थैंक्स बाबूजी। हॉल में। अच्छा चलो ये बताओ, तुम्हारे बाकी भाई बहन का? पपली, दादी सा कुछ पूछ रही है ना? वो मासा के रूम में। के रूम में? वहां पर क्या कर रहे हैं वो लोग? पता नहीं। चल तुम कपड़े बदलो, हम अभी। बच्चा बाथरूम में नहीं है कहीं? वो बच्चा ये तो नहीं? बिंदेश्वरी जी, क्या बात है साहब? आप यहाँ क्या कर रही हैं? साहब बच्चे अंदर, हम उनसे मिलने जा रहे हैं। अच्छा सुनिए तो, वो हमारी दवाई नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ है। साहब वही तो रखी है जहाँ हम रोज रखते हैं। अरे हमें तो मिल ही नहीं रही, हम तो देख चुके वहाँ। चलिए ना जरा हमारी मदद कर दीजिए प्लीज। आप भी ना साहब। चलिए ये देखिए साहब, हमने तो पहले ही कहा था ना कि दवाई रोज की ही जगह पर रखी है। हे भगवान, पता नहीं आपको क्या हो गया है साहब, सामने रखी हुई चीज दिखाई नहीं देती। अरे हम गलती हो गई, अब हम कहीं और ढूंढ लेते हैं। साहब आजकल आप ना बिल्कुल बच्चों की तरह व्यवहार करने लगे।
अरे भाई इस उम्र में आके आदमी हर आदमी बच्चे ही हो जाता है, आप भी कुछ दिनों में बच्चे ही हो जाएंगी। हाँ वैसे हमारा मन बार बार यही गवाही दे रहा है कि हमसे छिपाकर कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी जरूर पकाई गई है। खैर हमें किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगने देनी कि हमें शक है। साहब आप लेटिए, हम जरा कपड़े बदल कर आते हैं। एक बार फिर से देख लो, कोई कोई बच्चा रह तो नहीं गया। वो बच्चा बाथरूम में नहीं है। क्या बच्चा बाथरूम से गया कहाँ? पता नहीं। कहीं वो बच्चा ये तो नहीं? तुम्हारे बाबू साहब इसे यहां पर लेकर आ रहे हैं, हमारी नजर इस पर पड़ गई। यह इधर उधर घूम रहा था, बाबू साहब की नजर इस पर पड़ी और हमारी नजर इन दोनों पर। हमें तो शुरू से ही संदेह था कि इस घर में कोई नाटक चल रहा है। और इस नाटक की निर्देशिका है कार्तिक की पत्नी। मासा ये सब बच्चे ना बबली के फ्रेंड्स हैं, उसको बर्थडे विश करने आए थे, बस अभी सबके सब जा रहे हैं। बस अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अब सफाई में कुछ कहना चाहोगी? मासा ये सब बच्चे ना बबली के फ्रेंड्स हैं, उसको बर्थडे विश करने आए थे, बस अभी सबके सब जा रहे हैं। बस अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बच्चा इस घर में हुई पार्टी के बारे में
सब बता चुका है। कोशिश कर रहे हैं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब आपको अवश्य कोई गलतफहमी है।